खबर आजमगढ़ जनपद से है, जहां पूरनपुर नगर पालिका होने की आस से लोगों में तो खुशी दिखी, लेकिन वहीं नगर पालिका की लापरवाही के चलते बूढ़नपुर चौक से उत्तर व दक्षिण तरफ रोड गड्ढे में तब्दील हो गई है, जिससे आए दिन लोग गड्ढे में गिरकर चोटिल हो रहे हैं। वहीं जब गाड़ियां का आना होता है तो गड्ढा बचाने के चक्कर में काफी जाम लग जाता है। बड़ी गाड़ियां तो किसी तरह निकल जाती हैं, लेकिन वहीं छोटी गाड़ियां लेकर गड्ढे के इधर उधर से किसी तरह मुसीबत से निकलते हैं, लेकिन गाड़ी फिसल जाने की वजह से फिसल कर गिर जाते हैं। वहीं ऑटो चालक का आरोप है कि हम लोग प्रतिदिन टैक्स जमा करते हैं, फिर भी हम लोगों की गाड़ियों का साकर व बूस कट जाता है। कभी कभार तो ऐसा होता है कि सवारी लेकर हम लोग पलट जाते हैं। लोगों ने इस नगर पालिका के घोर लापरवाही बताया और विशाल प्रदर्शन करने के लिए ऑटो चालकों ने कहा, यदि गड्ढा समय से नहीं भरा गया तो हम लोग आगे भी प्रदर्शन और हड़ताल करेंगे। ऑटो चालकों का कहना है कि प्रतिदिन नगर पालिका की गाड़ी यहां से गुजरती है, फिर भी लोगों को नहीं दिखाई दे रहा है। यह सरकारी गाड़ी है, इसलिए इन्हें गाड़ी टूटने फूटने का परवाह नहीं है। मीडिया से बातचीत करते हुए ऑटो चालक ने क्या कुछ कहा, देखिए यह रिपोर्ट। क्या नाम है? हमारा नाम कैलाश निषाद है। कौन सा गांव? हाँ, कौन सी बाजार है? ये बूढ़नपुर बाजार है। क्या समस्या आपकी? समस्या ये है सर, यहाँ पे जो है खड्डा खुड्डा इधर उधर हो गया। ये सामने आपके है खड्डा, और ये जो है इसमें आके रोज मोटरसाइकिल पलट जाती है, तो बैटरी पलट जाती है, फिर हम लोगों का भी आकर फाकर अलग पड़ जाता है। ये सब क्या है? इसी गड्ढा जो है नेशनल हाईवे से निकल करके मतलब बूढ़नपुर से और जाता है पदमपुर की तरफ, उस पर है? हाँ, पदमपुर की तरफ जाता है, फिर इधर कोलसा भी जा रहा है। अच्छा, दोनों तरफ? हाँ, दोनों तरफ खड्डा हो चुका है। कभी एक फीट गड्ढा है? हाँ, एक फीट गहरा है। हाँ, एक फीट से तो ज़्यादा ही होगा। हाँ, लमसम तो इसमें आदमी रोज गिर रहे हैं। और फिर पता चला हम लोग ऑटो लेके आ रहे हैं, इसमें सवारी फवारी हैं, तो ये भी साला वहाँ टेढ़ा मेढ़ा हो जा रहा है, क्या करें? ये किसकी लापरवाही मानी जाएगी? ये सब लापरवाही किसकी है? जो यहाँ देख रेख कर रहा है, नगर पालिका की जिम्मेदारी है, उसको देखे और बताइए किसको बताएं? देख रेख है तो उसको नगर पालिका वाले देखें और उसका काम करें। इसमें ले आएंगे, मिट्टी सिट्टी डाल देंगे, बरसात हुई बह गया, फिर खड्डा वैसे ही पड़ा है, क्या करेंगे? कभी मिट्टी पड़ती है, कभी नहीं पड़ी। जैसे पड़ती का है कि एक बार डाला था इन लोगों ने, साल 6 महीने में हमने एक बार देखा था, एक बार वो भी तो बह गई, अब है ही नहीं। इधर भी खड्डा तो उधर भी खड्डा हो गया, गड्ढे में तब्दील हो गया। हाँ।